हाँ जी, स्वागत है जी आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और मैं हूँ अभी नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही सुंदर स्टेट जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मैं हूँ अभी जीरो वैली में, और नज़ारा आप सामने देख ही सकते हो कि जीरो वैली में कितना सही नज़ारा है। भाई देखो, आप अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखे हैं तो उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखाया था। देखो, रोड के दोनों साइड आप फूल देख सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे अच्छे अच्छे व्यू मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप मेरी लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे फार्मिंग की जाती है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ कि किसी पहाड़ों के अंदर ऐसे मतलब खेती की जाती है, यहाँ प्लेन एरिया हम देखने को मिला है। नहीं तो मोस्टली हम जिस भी पहाड़ों पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें ऐसा एरिया देखने को नहीं मिलता जहाँ पर फार्मिंग वहाँ पर की भी जाती है तो वो की जाती है सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई वैली है, जो जीरो वैली है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो आप देखिए कि कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ से। मैं ट्राई करूँगा कि आपको जीरो वैली अच्छी तरह से दिखा दूँ। अगर आपने मेरे व्लॉग अच्छे से देख लिए तो आपको यहाँ पे पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मेरे व्लॉग देख के यहाँ पे पहुँचोगे तो आपको किसी से कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से ही आपको सब पता होगा। और ये देखो भी कितने अच्छे कोटेज बने हुए हैं। ये देखो भाई, काफ़ी अच्छे कोटेज बने हुए हैं, कितने सुंदर ये कोटेज हैं। और यहाँ पे भी आप रुक सकते हो, और यहाँ पे सामने व्यू देखो कितना अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि कहीं पे भी ऐसी फार्मिंग या खेती नहीं होती, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। अगर कोई यूपी या हरियाणा या पंजाब वाला कोई आता है वो थोड़ा सा इतना एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्लेन एरिया में रह रहे हैं। बट जो लोग प्लेन में नहीं रहते हैं ना, उन्हें ऐसे खेती या फार्मिंग दिखती है तो वो काफ़ी खुश होते हैं। आप मेरी लेफ्ट साइड में देख रहे हो शायद कि लोग कैसे अपनी खेतों में काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। देखिए, मतलब बारिश आने की वजह से इन्हें अपना धान बहुत ही जल्दी जल्दी कट करना पड़ रहा है, नहीं तो वो गिर जाएगा, जो उसकी जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। मज़ा आ रहा है ना पूरा? अगर नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, मैं अपने हिसाब से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यू और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ और बड़े बढ़िया तरीके से दिखाई जाए। और ये देखिए भाई, ये देखो कि लोगों के ये घर हैं, और घर के पास में ही उन्हें जितनी भी जगह है उनके पास, उन्होंने अपनी मतलब खेती बोलते हैं या फार्मिंग है वो कर रखी है। ये देखो, इन्होंने मतलब अपने घरों के बाहर ऐसे धान लगा रखा है, राइस की खेती करते हैं। मैंने इनसे पूछा था कि भाई अभी राइस लगाए हैं तो उसके बाद में क्या लगाओगे, ये बोलते हैं कि बस ओनली अभी राइस ही लगेंगे, जब दोबारा मार्च में जाके मंथ में जाके फिर दोबारा से ये राइस ही लगाएंगे, और उतना टाइम तक ये ज़मीन है इनकी खाली पड़ी रहेगी, और कोई पेस्टिसाइड वगैरह या ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते ये, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था। और ये देखो इनके घर सब कुछ देखो, कितना मतलब बाम्बू या लकड़ इसी से ही बने हुए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट बन रहे हैं वो अभी थोड़ा सीमेंट वगैरह से हम बोल सकते हैं कि उससे वो बन रहे हैं। और यहाँ पे भाई 4x4 ट्रैक्टर मैंने काफ़ी देखे। ये देखो अभी मेरी राइट साइड में भी एक खड़ा था, 4x4 था, और रोड काफ़ी अच्छे हैं भाई। और मुझे ये पता भी नहीं है मैंने कौन से रोड पर कहाँ जा रहा हूँ मैं, बस बिना मैप लगाए बस मैंने जो मेन मार्केट थी वहाँ से लोकेशन पिन कर ली थी कि मैंने जिधर वापस जाना है उसकी लोकेशन पिन कर ली, और मैं निकल गया विलेज को देखने के लिए और विलेज को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखो आप, जितने भी लोगों के घर हैं, घरों के बीच में वो अपना मतलब जितनी भी जगह उन्हें मिलती है, जिसके पास एकड़ है, दो एकड़ है, जितनी भी है, कनाल है, मरला है, उन्होंने अपनी खेती की हुई है। और यहाँ पर हर जगह पर बाँस का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बांबू ज़्यादा मिलते हैं। देखो, अगर चारों तरफ हम देखेंगे सेफ्टी के लिए जो दीवार है इन्होंने बनानी है वो भी बांस से बनाई हुई है। सबसे बांस का बेस्ट पॉइंट ये होता है कि ये कभी गलता या सड़ता नहीं है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पानी में या कुछ भी ना, इसे वो क्या बोलते हैं पंजाबी में तो स्योंख बोल देते हैं, वो भी इनमें नहीं लगती। और एक चीज़ और है, जितनी मैंने यहाँ पर शॉप वगैरह देखी ना, उनका क्या था कि चारों तरफ उन्होंने जाली लगा के कवर किया हुआ है, और बाहर उन्होंने एक छोटी छोटी बैल लगा रखी हैं, और जब भी किसी को कुछ सामान चाहिए वो बैल मारता है और वो अपने घर से बाहर आके उन्हें सामान दे देते हैं। और ये देखिए, मैंने कैमरे को ज़्यादा ऊपर उठा रखा है कहीं ये ना हो कि बीच में अटक जाए। ये देखो आप,
भाई इनके खेत और खेतों के बीच में ही इनके छोटे छोटे घर, पुराने भी और बीच में नए भी, क्योंकि टूरिज्म है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और लोग ऐसी शांत जगहों पे रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए नए नए होटल, होम स्टे, ऐसा कुछ यहाँ पे क्या है, होम स्टे थोड़े कम है लेकिन कोटेज वगैरह वो हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ जी एक्वा पार्क, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलेगा, और मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। कहते हैं काफ़ी फ्लावर वगैरह और फिश वगैरह यहाँ पे हमें तालाब में देखने को मिलेगी, तो कैसा पार्क होगा वो जाके देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ भी कर लो, अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है यहीं पे पॉज करो, इसको शेयर करो भाई, यूट्यूब चैनल को अप करो यार, सारे लोग कमेंट किया करो, जितने लोग भी भाई चाहते हैं ना कि अपना अप जाए चैनल, तो आप कमेंट सेशन में जाके कुछ भी कमेंट जरूर किया करो, जैसे जैसे हम कमेंट करते हैं या आप लोग शेयर करोगे तो ये चैनल अपने आप ऊपर आ जाता है। सो आपने इस चीज़ का थोड़ी हेल्प करनी है आपके भाई की, तो इस साइड होगा आई थिंक कि उस साइड होगा, पता नहीं है, इधर ही जा रहे हैं लोग तो इस साइड ही चलते हैं। ये सीटिंग एरिया बना हुआ है, वो आइस प्लांट कोल्ड स्टोरेज वहाँ पे बना हुआ है भाई, काफ़ी कुछ यहाँ पे बना हुआ। देखो पहाड़ों के बीच में ना प्लेन प्लेन जगह यहाँ पे है काफ़ी, जीरो में चारों तरफ प्लेन मिलता है, फिर बीच में थोड़ा पहाड़ आ जाते हैं। ये फिश फीड मील जो मतलब ऐसा कुछ रखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है यहाँ पे फिश वगैरह का ही होगा कुछ, यहाँ है ना क्या बोलते हैं, फार्मिंग करते होंगे फिश की। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हमें क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, और पूरा पार्क का राउंड लगा के आते हैं। ये क्या है कि फिश वगैरह रखी हुई है फॉरेन की इसके अंदर, लेकिन आज क्या है कि मेंटेनेंस चल रही है तो वो बंद है, तो अंदर से मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। देखते हैं कल अगर मैं इधर ही हुआ तो कल आके फिर इसको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। और फिश पौंड यहाँ पे, तालाब बोल दो या पौंड बोल दो, वो अलग अलग यहाँ पे लोग इन्होंने बना के रखे हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। और जंगल के बीच में है बिल्कुल, इन्होंने मतलब सेपरेट सेपरेट पौंड बनाए हुए हैं, या तो अलग अलग ब्रीड की जो मछली हैं वो रखते होंगे है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखो आप, ये नीचे ये सारे सारे हैं जो ये फिश पॉन्ड बने हुए हैं, जितने भी ये बने हुए हैं, ये जो ट्रेनर हैं यहाँ के उनका हॉस्टल। ये देखो आप, प्रॉपर यहाँ पे मतलब ट्रेनर रखे हुए हैं, और फिशिंग बड़ी मतलब फिश फार्मिंग अच्छे से की जाती है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे। वो उनका जो आई थिंक फूड वगैरह या होगा या ऐसा कुछ होगा वो हम देखते हैं। बायो पढ़ लो भाई आप, क्या कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, बायो पॉलिकल्चर सिस्टम। ये देखो भाई इस तरीके का कुछ बना हुआ है, अलग अलग यहाँ पे सारे पोर्ट बने हुए हैं। ये देखो आप पूरा यहाँ पे जो फिश वगैरह ये रखते हैं, इनमें जो सामने है इसमें जो फॉरेन की जो फिश वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं बाहर की, तो आज अपने को नहीं दिखेगी। अगर मेरे को कल अगर मैं यहीं पे हुआ तो ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में ये मैं कैप्चर करूँगा और आपको दिखा दूँगा, क्योंकि आज का व्लॉग अगर अभी और भी मैंने एक दो जगह पे जाना है तो वो लंबा हो जाएगा, तो ये तो मैं एडिट कर दूंगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं आपको दिखाऊँ। इतना अच्छा व्यू आ रहा है, देखो भाई रोड कितना सही है, ऊपर आप देखो वेदर कितना सही है, और नीचे देखो भाई रोड कितना सही है, ये है जीरो के नज़ारे। और राइट साइड में आप ये देख रहे हो ना, ये टब, ये देखो छोटे छोटे इन्होंने बना रखे हैं भाई, पोल बना रखे हैं अपने पूल से फिश को पालने के लिए भाई, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग जो है वो करते हैं फिश की फार्मिंग करते हैं भाई यहाँ पे। और मैं इधर ही रुका हुआ हूँ भाई, ये आ गया कॉटेज, इसी के पास में अपने कैंपिंग की हुई है इसी की पार्किंग में। ये देखो यहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं अभी बनाने के लिए है ना, और बनाने के लिए अपनी फसल काटने के लिए, ये देखो ना। तो चलते हैं अभी अंदर जाके, फूड वगैरह बना के भी खाना है मैंने। डिनर करोगे? डिनर करोगे? मैं डिनर करोगे? डिनर हाँ, बस हाँ सब्जी पड़ा है बना रहा हूँ बस। लो भाई सब्जी अपने पास पहले से पड़ी है, तो आटा भी मेरे पास पड़ा है, तो अभी बनाते हैं। तो
थोड़ा सा वो निकालना पड़ेगा जिसको वो क्या बोलते हैं साइड में लगाने के लिए। रुको रुको आ रहा हूँ मैं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा भाई, ये आ गया सूखा आटा। तो अंधेरा होने से पहले पहले इसको बना के खा लिया जाए। मैं अंधेरा होने से पहले पहले बना ले, रात होने से पहले पहले। आप तो लेट करते होगे, 10-11 बजे तक करो। मैंने काफ़ी अभी काम करने वाला ना, एडिट उडिट करना है, तो सोचा टाइम से बना के फ्री हो के फिर एडिट के लिए बैठेगा। हाँ जी, समझा नहीं। क्या चीज़ उधर? हाँ हाँ कोई बात नहीं, बना के फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो भाई बोल रहे हैं कि हल्का सा उठाइए। बोल रहे थे मतलब वीडियो, बोल रहे कि हल्का सा मरम नहीं मतलब उठाइए, मतलब मैं समझा नहीं भी उठाइए का क्या मतलब होता है। फिर मैं बाद में समझा कि उठाइए का मतलब ये है कि हल्का सा हमारा भी वीडियो बनाना। अभी थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा होगा, मतलब आप भी सोच रहे होगे बीच में किधर बात करने लग जाता है, बीच में कहीं लग जाता है ना, तो कोई बात नहीं भाई, चलता है इतना। तो ये बनेगी गोल गोल रोटी। बस मुझे ना थोड़ा सा ये डर रहता है कि भाई अंधेरा ना हो जाए, और अंधेरा नहीं सॉरी बारिश ना आ जाए। अगर बारिश आ गई, तेज़ हवा आ गई, तो बस काम तमाम हो जाएगा अपना, खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल फूड का मतलब काफ़ी थोड़ा सा रहता है, नॉर्थ ईस्ट में ना फूड सही मिलता नहीं है। सो कभी भी आप नॉर्थ ईस्ट आते हो तो अपना मिनी किचन हमेशा साथ में रखो, मैं ये कहना चाहूँगा। और स्पेशल जो वेजिटेरियन है वो तो आप ज़रूर रखो, नहीं तो आपको यहाँ पे एक पतली सी दाल मिलेगी और एक आलू मिलने वाले हैं बस, और कुछ नहीं मिलेगा, राइस मिल जाएंगे, मतलब कोई वैरायटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि कोई अच्छा फूड मिल जाए, वो आपको नहीं मिलेगा पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी। सो आप ट्राई करो, अगर आप बाइक वगैरह पे आते हो है ना, कुछ बाइकर्स हैं जो मेरे भाई ब्लॉग वगैरह देखते हैं, तो भी आप अपने साथ में रखो कि फूड वगैरह का थोड़ा ठीक रहे। और मेरे को ये कैंपरवैन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, हद से ज़्यादा, मैं मतलब बता भी नहीं सकता कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं रहती अब, बस अब खाना बना के जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो कोई टेंशन नहीं है, कितनी भी बारिश आ जाए, कुछ भी, कितनी भी अंधेरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अपना रेडी हो जाएगा, बस खा के और फ्री हो जाऊँगा अभी मैं। और ये 4 रोटी बन जाएगी और सब्जी जितनी भी पड़ी है सारी सब्जी मैं खा जाऊँगा बस सुबह तक। ठीक है, सुबह उठ के फिर देखेंगे क्या खाना है, कैसे करना है ना, सुबह की सुबह देखेंगे। अभी का अपना ये खाना हो जाएगा बिल्कुल रेडी। जैसे कि आपको पता है मैंने यहीं पे कैंपिंग की हुई है, ये सिरो रिजॉर्ट, और आते ही मैं सबसे पहले मिला था भाई को। भाई कैसे हो? अच्छा हूँ सर। अच्छा हूँ। तो भाई थे यहाँ पे बैठे हुए थे, जब भी मैंने कल एंट्री करी तो सबसे पहले भाई से मैंने जस्ट पूछा कि मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, तो फर्स्ट मेरे एक वर्ड के साथ बोला कि हाँ आप रुक सकते हो। तो सबसे पहले थैंक यू भाई। तो आपका नाम बता दीजिए। माय नेम इज सर राहुल राय। राहुल राय, क्या बात है, तो बहुत अच्छा नाम है भाई का राहुल नेम। तो चलते हैं, आप थोड़ा दिखा दें रिजॉर्ट भी, और काफ़ी अच्छा है भाई, आप पहले के व्लॉग में भी देख रहे होंगे, तो इस व्लॉग में मैं आपको अच्छे से अंदर से दिखा देता हूँ। बढ़िया, और काफ़ी अच्छा है, आउटलुक बहुत अच्छी है। ये बहुत राहुल जी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, ये सारा लकड़ा है बड़ा, ये बहुत मतलब है ना, ये देखो कितना मतलब पूरे का पूरा लकड़ा ऐसे लगाया हुआ है, क्या बात है। ये मैंने पहले मतलब लकड़ का काम देखा पर इतना प्रॉपर देख करा हुआ मैंने नहीं देखा। ये लॉबी आ गया, ओके, ये भी बहुत बढ़िया, ये पूरा ही लकड़ का है ना सारा, बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, क्या बात है। ठीक है जी, तो अभी किधर चले, ऊपर दिखाओ कैसे, ऊपर चले, चलो आइए आप मेरे साथ। तो ये सारा कुछ लकड़ का काम किया हुआ है पूरे रिजोर्ट में है, ये देखो क्या बात है, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से, वो बालकनी आ गई ऊपर, ओके, ये भी सीटिंग एरिया बना रखा आपने बहुत बढ़िया। ये आ गई जी बालकनी, और काफी अच्छा वो आपने रेस्टोरेंट जो है वो हटके बना रखा है ना,
तो वो भी काफी अच्छा। ओके रिसेप्शन भी हुई हो इधर। लाइब्रेरी। ओके वेरी नाइस। जो ट्रैवलर होते हैं उनके लिए सब लाइब्रेरी, आप आके किताब पढ़ सकते हैं ना, कोई भी आके पढ़ सकते। ओके ये देखो भाई काफी मतलब अच्छा। ये मैंने पहले मैंने किसी भी होटल या रिजोर्ट में ये चीज भी मैंने पहले नहीं देखी। ये भी अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो काफी अच्छा आपने मतलब ये किया हुआ है ना, बहुत बढ़िया। तो देखो जी आप कभी इधर आते हो तो आप लाइब्रेरी के आनंद भी ले सकते हो। तो ये चल रहे हैं जी अभी हम उससे ऊपर वाले स्टोर फ्लोर पे, तो देखते हैं यहाँ का रूम भी थोड़ा देख लेते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे रूम। ये देखो क्या बात है जी, देखो भाई और लाइट वगैरह ऑन करो भाई, क्या बात है। देखो भाई कितना अच्छा मतलब रूम बना हुआ है। ये देखो ये कारपेट भी भाई क्या बात है, ये भी उसका बाबू का बना हुआ है ना, ये भी वुड का बना हुआ है, ये मुझे बहुत सही लगा भाई, ये भी बहुत अच्छा है। और इस साइड ओके डाउन स्टेयर जा रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई ये बना हुआ है। ओके ये पर्सनल बालकनी आ गया ना। Yes, ये चीज बहुत अच्छा लगा, ये स्पेशली वुड का बनाया हुआ है ना। Yes, ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे। और ये आगे भी पर्सनल बालकनी। तो भाई कभी भी आप इधर आते हो जीरो में तो भाई से कॉन्टेक्ट कर लेना आप, यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ेगा भाई आपको जो आएगा वीडियो को देख के।